होगा माहिर और नागिन बेला का मिलन। वेल कलर्स टीवी के सीरियल नागिन 3 के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि माहिर और नागिन बेला की जुदाई की घड़ी अब खत्म हो जाएगी, इन दोनों का अब मिलन हो जाएगा। दरअसल नागिन बेला एक तीर से दो निशाना साधेगी। पहले तीर से बेला माहिर और उसके सहगल परिवार की रक्षा करेगी, तो वहीं दूसरे तीर से बेला सुमित्रा सहगल जो कि एक इच्छाधारी नागिन है उसे चारों खाने चीत कर देगी, यानी कि हरा देगी। वहीं नागिन बेला अपने बदले हुए रूप के जरिए सुमित्रा को धोखा देगी और उससे अपना बदला लेगी। वही हम आपको बता दें कि धोखे की शुरुआत सबसे पहले सुमित्रा ने की थी और अब अंत करेगी नागरानी बेला। भाई नागरानी बेला अब तो ये कहना ही पड़ेगा, आपसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और कुछ ऐसा ही हाल सुमित्रा सहगल यानी कि एक इच्छाधारी नागिन का भी होने वाला है। फिलहाल अब देखना ये है कि क्या नागिन बेला अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी और क्या माहिर का प्यार वो फिर से एक बार अपनी जिंदगी में वापस ला पाएगी। ये सारी अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और पाइए अपने फेवरेट टीवी शो से जुड़ी हर खबर। सब होगा माहिर और नागिन बेला का मिलन। वेल कलर्स टीवी के सीरियल नागिन 3 के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि माहिर और नागिन बेला की जुदाई की घड़ी अब खत्म हो जाएगी, इन दोनों का अब मिलन हो जाएगा। दरअसल नागिन बेला एक तीर से दो निशाना साधेगी। पहले तीर से बेला माहिर और उसके सहगल परिवार की रक्षा करेगी, तो वहीं दूसरे तीर से बेला सुमित्रा सहगल जो कि एक इच्छाधारी नागिन है उसे चारों खाने चीत कर देगी, यानी कि हरा देगी। वहीं नागिन बेला अपने बदले हुए रूप के जरिए सुमित्रा को धोखा देगी और उससे अपना बदला लेगी। वही हम आपको बता दें कि धोखे की शुरुआत सबसे पहले सुमित्रा ने की थी और अब अंत करेगी नागरानी बेला। भाई नागरानी बेला अब तो ये कहना ही पड़ेगा, आपसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और कुछ ऐसा ही हाल सुमित्रा सहगल यानी कि एक इच्छाधारी नागिन का भी होने वाला है। फिलहाल अब देखना ये है कि क्या नागिन बेला अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी और क्या माहिर का प्यार वो फिर से एक बार अपनी जिंदगी में वापस ला पाएगी। ये सारी अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और पाइए अपने फेवरेट टीवी शो से जुड़ी हर खबर। सब